मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, और हम वैसे तो बहुत सारे सक्सेसेस होते हैं, और मैं बीच में एक ये वाले जो कपल आए हैं, शी इज कैरिंग ट्विन्स, अभी ट्विन कैरी कर रही है, और ये पिछली बार भी एक अटेम्प्ट कराई थी और उसमें भी पहले अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें इसके बच्चेदानी के भीतर जो पानी था वो सूख गया था, और बच्चे को शायद मोस्ट प्रोबेबली किडनी की प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो रहा नहीं। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताओगी कैसे फिर से दोबारा कैसे आए इतना वो होने के बाद। हम पहले ही सोच लिए थे कि आपके ऊपर हमें बहुत विश्वास था, तो हमने सोचा कि हम सक्सेस नहीं हो पाए लेकिन हम दोबारा फिर से ट्राई करेंगे और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, और हमने की, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया कि मैं फिर से नहीं, पर जो पिछला वाला जो हादसा हुआ था उसमें पहले अटेम्प्ट में वो भी प्रेगनेंसी हो गई थी, वो भी पहले ही हो गई, तो उसमें जो बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी उसको लेके बहुत परेशानी हुई थी। हाँ, बहुत परेशानी हुई थी, मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, ऐसे लग ही नहीं रहा था, फीलिंग्स अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन बोलो फीलिंग अच्छा, फीलिंग्स वगैरह अच्छी नहीं थी, वो कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी थी, पेट में दर्द वगैरह, जलन वगैरह, ऐसी सब परेशानियां थी, तो फिर बाद में वो सक्सेस नहीं हो पाया पहली बार का। सेकेंडली हम लोग को बहुत भरोसा था, प्रेगनेंसी हो के फिर वो चला नहीं, हाँ चला नहीं, मतलब हाथ में लाइव बच्चा नहीं नहीं आ पाया, हाथ में नहीं आ पाया। सेकेंडली हम लोग को बहुत भरोसा था डॉक्टर साहब आप पर, नहीं तो जो पहला एपिसोड के बाद में जो सेकेंड अटेम्प्ट कराने आना वो भी बहुत बड़ी चीज होती है, हमें भरोसा था सर आप पर, पहले से भरोसा था। मैं अपनी वाइफ को भी हमेशा बोलता था कि भरोसा रखो हो जाएगा, डॉक्टर साहब अच्छा कर देंगे, इसी भरोसे को लेके हम सेकंड टाइम आए और सक्सेस हो गया, दोबारा में सक्सेस हो गया। तो अभी आपको नियर अबाउट 3 महीने की, ढाई महीने की प्रेगनेंसी है, और ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, और मैंने अभी दिखाया तो उसमें सब ठीक ठाक है। हाँ, बिल्कुल सब ठीक है। तो आप पहले से अभी थोड़ा तो रिलैक्स हो? हाँ, बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत आपका और भगवान का आशीर्वाद है तो हम सक्सेस तो हो गए हैं। बाकी इधर पे जो तुम दो बार आई, हाँ, और इस सेंटर में दो बार का मतलब तुम काफी एक्सपोज हुई है हमारे सेंटर से, हमारे स्टाफ से, हमारे वर्किंग से, सब लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत सुनना चाहता हूँ, ध्यान अच्छे से रखते हैं, पूरा काम सही टाइम पे करते हैं, मानसिक आघात तो बहुत लगा था पहले, हाँ पहले वाले में बहुत मानसिक तो टूट गए थे कुल मिला के, कि सक्सेस होने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आया, तो मैंने तुमको क्या मोटिवेट किया, क्या आपने बहुत मोटिवेट किया कि सब रिलैक्स रहो, सब छोड़ दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि सब अच्छा हो जाए। यही मैं बोला होगा ना कि जब बच्चा अच्छा होगा तभी आएगा हाथ में, बच्चा अच्छा हो तो अच्छा हो, अच्छा हो। ये एक इसमें इतना सिंपलिसिटी है इन पेशेंट्स में, ये लोग इतने सिंपल हैं, और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे से इतने जुड़ते हैं और मुझे इतना मानते हैं, और मेरी बातों पे आके लोग मोटिवेट हुए, भगवान की असीम कृपा है कि शी इज कैरिंग ट्विन्स अगेन। मैं आपको नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ वीडियो में, पर मैं आपको, आपके हस्बैंड को, दोनों को बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि सब ठीक रहे, क्योंकि ये भोपाल से आए हैं, अभी भोपाल में रह रहे हैं, इसके बाद ये भोपाल जाएंगे, तो आपका सब ठीक रहे, और भगवान करे सब आपके हाथ में एक स्वस्थ दो बच्चे आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर लिसनिंग।